नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ। तो मेरा एक नई प्रैक्टिकल जो काम करता हूँ मैं, उसको आज फिर मैं एक नई वो बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारे जो ठेकेदार लोग हैं, नए हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। तो उनके लिए देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर हम कहीं भी जो सीवर लाइन डालते हैं या फिर वैसे पानी की लाइन डालते हैं, तो उनके लिए मैंने आपके लिए एक नई जानकारी इकट्ठी की है। ये अपनी साइड है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है मेरी। तो दोस्तों, अगर हम कहीं पे ऐसा काम करते हैं जहाँ से हमें, जैसे कि फ्लोर में हम पाइप डालते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहले हमने इसका ज़मीन में ये खुदाई कर ली है, उसके साइज़ के हिसाब से करीब 2 फीट के हिसाब से हमने चौड़ाई में खुदाई की है। और उस खुदाई करने के बाद में पहले हमारे पास नीचे ज़मीन में हमने सबसे पहले GSB जो रोड़ी होती है, जो हमारे पास ये रोड़ी पड़ी है, देखिए ये, इस रोड़ी को करीब 3 से 4 इंची मोटाई में इसको पहले नीचे डाला हुआ है। और उसके बाद में फिर हमने इसके ऊपर PCC करी हुई है, जो आपको देखिए पाइप के नीचे दिख रही है, ये PCC है, इसको PCC की है। और उसके बाद में हमने ये PCC 4 इंची की है, और उसके बाद में हमने इसमें पाइप बिछा दिया है पूरा। अब दोस्तों, पाइप को बिछाने के बाद में हमने ये मेन होल बनाए हैं। देखो ये मेन होल है, ये 2x2 का रखा है हमने, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं ये बना रहा था तो मेरे से ये क्वेश्चन, वहाँ पे कई लोग थे जो ये कंपनी के वर्कर थे, उन्होंने भी इस बात को पूछा था कि आपने मेन होल तो बना रहे हो, लेकिन जो पाइप है वो बीच में से आपने लाइन तो पूरी डाली हुई है, तो ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, मैं आपको इसकी एक वजह बता देता हूँ। ये लोग शायद आपको कोई ऐसा बताएगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो हमने लाइन पूरी लंबाई में जो डाली हुई है, और बीच बीच में हमने जो मेन होल बनाए हैं, जिसको हम चैम्बर भी कहते हैं, इसको हमने लाइन क्यों नहीं इसमें बीच में खुला छोड़ी है? तो दोस्तों, इसका एक ऑप्शन ये है कि हमने जब भी हम इसको लाइन को हम चालू करेंगे, उसके बाद में पानी हमारा ऑटोमेटिक ही सांस से इसके लाइन के थ्रू बाहर जाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसको खोल के रखते हैं तो हमारा चैम्बर जल्दी ख़राब होता है। दूसरी बात, इसमें पानी भी जो है, पानी इधर उधर से साइडों में रिसने का भी डर रहता है, इसका हम पलस्तर भी करेंगे। लेकिन जब तक हमारी लाइन ठीक है और कोई तरह की दिक्कत नहीं है, जब तक तो ये पानी आराम से लाइन के थ्रू डायरेक्ट ही बाहर जाता रहेगा। और उसके बाद में फिर हम इसको दोबारा से, अगर कहीं दिक्कत हुई, कहीं पे ब्लॉक हो गया, तो हम इसको कहीं से भी 20 चैम्बर में से इसको थोड़ा सा ब्लेड से काट करके, और जहाँ पाइप वगैरह काट के, और उसके अंदर जो हम बांस वगैरह जो डालता है स्वीपर, वो स्वीपर सफाई करने आएगा तो बीच में से थोड़ा सा काट के और इसको सफाई कर देगा, और चैम्बर वैसे एक वैसे बना रहेगा। चैम्बर अगर बाहर भी पानी निकलता है तो चैम्बर के थ्रू वापस इसमें पानी चला जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको बीच से हमने काटा नहीं है, और अभी तक ये मतलब सही रहेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको काट देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, मेन बात, हम इसमें एक मेन पॉइंट वाली जो बात है, इसको शायद आपको कोई ना बताए, आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना, ज़िंदगी में आपको ये हर जगह काम आएगी, कि हम जिस तरीके से पाइप डाला हमने, तो उसमें हम ढलान कितना देते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने इसका पहले भी बनाया हुआ है, और आज मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो पाइप है, इसके अंदर
10 फीट में हम 1 इंची का ढलान देते हैं, और 10 फीट के अगर लेंथ ज़्यादा है, जैसे 20 फीट होगी तो 2 इंची का ढलान हो जाएगा, और अगर 40 फीट की है तो 4 इंची का ढलान, 80 फीट है तो 8 इंची का ढलान। तो हमारा भी ये 80 फीट का एरिया था, तो हमने इसमें करीब 8 इंची का ढलान दिया है पाइप में, यानी कि जो टेपर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये एक रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये इंजीनियरों की जो बुक होती है उनमें ये बातें बताई जाती हैं, और मैंने वो बातें पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से आप ये पाइप जो होते हैं उनमें आप जब भी कहीं पे ये अगर पाइप डालें आपके नज़र में, तो ये चीज़ें ज़रूर रखें, और एक मेन होल से दूसरे मेन होल की दूरी भी आप कम से कम 20 फीट की रखें। जैसे कि एक पाइप की लेंथ 20 फीट की होती है, तो उसी हिसाब से 20 फीट पे मेन होल बनाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।